जय सियाराम, राधे राधे। क्या है जी आज का विचार? भारत विचार में सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन द सुमित वीर शो में। और हमेशा की तरह मेरा निवेदन, मैं ऑडियो विजुअल में दिखाता हूँ जी आजकल। आपको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ये जरूर करिएगा। तो आज जब ये वीडियो देखेंगे तो संडे का दिन है, तो मैंने सोचा थोड़ा अलग हटके टॉपिक करते हैं। पोलिटिकल पे बड़े दिनों से हमने कोई बात नहीं की, क्योंकि ये ईरान वाले हमें बहुत बिजी रख रहे हैं। जब तक वो थोड़े कुछ एक्शन वेक्शन मोड में आते हैं तो हम पॉलिटिक्स पे वापस आते हैं जी। देखिए आज का विषय है धर्मयुद्ध योगी जी का, बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन समझाऊंगा आपको। मायावती का साथ, इंडी बेहाल। इंडी वाले बड़े बेहाल हो रहे साहब। हुआ क्या ये प्रकरण, अभी जो दो घटनाएं हुई है, पहले मैं शुरुआत करता हूं आपको गोमती नगर की घटना से। अगर आज मैं पूरे भारत में देखूं, अगर कोई मुख्यमंत्री दिख रहा है जिसमें दम है, जो जुझारू है, जो दबंग है, जहां तुरंत एक्शन हो रहा है, जहां बाराबंकी हो, मैनपुरी हो, इटावा हो, पूर्वांचल का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, मुजफ्फरनगर हो, गाजियाबाद हो, अयोध्या हो, कहीं पे भी ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा, फटाफट एक्शन हो रहा, एनकाउंटर हो रहे, सीलिंग हो रही, बुलडोजर चल रहा है, और जो गैर कानूनी संपत्ति उस पर क्रैकडाउन हो रहा है, यहां तक कि पुलिस पे भी क्रैकडाउन हो रहा है। अगर आप कहीं रैली वाकई शासन प्रशासन को एक्शन में देखते हैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी में देख रहे हैं। मैं तो यही चाहता, अगर ऐसा एक्शन पूरे भारत में हो जाए, यहाँ जो जो 0.5 एलिमेंट है, इसको इसकी औकात दिनों में गिना सकते हैं आप। पर अनफॉर्चुनेटली ये सारी एक्शन यूपी में हो रही है, और योगी जी का बहुत बहुत साधुवाद इसके लिए। देखिए अभी जो आपने देखो बुलेट ट्रेन, नहीं भाइयों, यूपी में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट नहीं हुआ, कुछ और बुलेट ट्रेन आ रही है यूपी में। ये बुलेट ट्रेन के बारे में जानना चाहेंगे? पहले मुझे पता आप ये बुलेट ट्रेन के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। ये घटना हुई है गोमती नगर की। गोमती नगर में एक बच्ची और एक बच्चा, एक लड़का एक लड़की स्कूटी पे बैठे थे, वो निकल रहे थे, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स थे, कोचिंग सेंटर जा रहे थे, तैयारी कर रहे थे। कुछ बदमाशों का गिरोह उन्हें घेरता है और लड़की पे पानी छिड़कता है, और उनके साथ बड़ा अभद्र व्यवहार होता है, टचिंग वगैरह ये सब चीजें होती है। आप जानते हैं कि बाबा के राज्य में महिला और बच्चों बच्चियों की सुरक्षा नंबर वन प्राथमिकता है, जीरो टॉलरेंस है साहब। अगर किसी अपद्रवी, किसी असामाजिक तत्व ने ये हरकत या हमाकत की तो बुलेट ट्रेन चला देते हैं बाबा, बुलेट ट्रेन, समझे नहीं आप? चलिए आप जरा ये वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे। गोमती नगर की घटना का बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, बाबा क्या कह रहे, सुनिए जरा। कि जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है, उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है, और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है, और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त तो करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं? इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरह आप ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। यह हमने देखा बाबा के तेवर गजब मूड में है बाबा, भैया छोड़ने वाले नहीं है, तुम समझ लो।
और अगर किसी की औकात यूपी में एक लिमिट से ज्यादा आ जाए तो उसको लेवल कर दिया जाता है। ये देखिए कितनी ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई, फटाफट हुई, सब पे हुई, पुलिस वालों पे हुई, पूरा थाना चेंज कर दिया साहब। ये होता है मुख्यमंत्री, ये है शासन प्रशासन, इससे डरते हैं बदमाश और ऐसे ही खत्म होती गुंडई। इस यूपी में जो चमत्कार आया वो योगी बाबा के नेतृत्व में आया है, अब पूरे भारत में ये चमत्कार आए तो भारत की तो भाई काया ही पलट जाए। अभी मैं मानूंगा धवंग जो मुझे शासक दिख रहे हैं पूरे भारत में वो योगी आदित्यनाथ जी खुद दिख रहे, इसमें कोई डाउट ना रखे। यही कहानी खत्म नहीं होती, गोमती नगर का आपने सुना। अब आते हैं अयोध्या पे। अयोध्या आप जानते हैं फैजाबाद में आती है, फैजाबाद का कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां समाजवादी पार्टी के नेता जीतते हैं। अब ये क्यों जीते, कैसे जीते, इस पर हम बात कर चुके हैं। अयोध्या में एक बहुत अप्रिय घटना और बहुत दर्दनाक घटना सामने आई है भाइयों। घटना ऐसी है, एक 13 साल की दलित बच्ची है, 13 साल, मात्र 13 साल की दलित बच्ची, और एक बैक्ट्री, एक बेकरी है, कहते तो बेकरी है उसको, ये मोहित खान और राजू खान नाम के दो अपराधी इसको चलाते थे। और ये मोहित खान साहब पता कौन है, ये समाजवादी पार्टी का नेता है, और ये जो समाजवादी पार्टी का नेता है इस बेकरी को चलाता है। और हुआ क्या यहाँ पे, इस मासूम बच्ची के साथ, 13 साल की बच्ची के साथ 2 महीने से ज्यादा तक गैंगरेप होता रहा। और जब इसके घरवालों ने, जो बेचारे दलित है, हमारे दलित भाई, हमारी बच्ची है ये, इन्होंने भाई इस मोहित खान और उसके पट्टे के खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए, तो वहां के जो समाजवादी पार्टी के नेता है, जो विधायक बाबू है, जो सांसद जी है वहां के सांसद जी ने ये होने नहीं दिया, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का भाई कार्यकर्ता है, और ऐसे ही अच्छे कार्यकर्ताओं के बदौलत से उनकी सरकार टिकी है। अब ये खबर बाबा तक पहुंची तो तुरंत कार्रवाई की गई, मोहित खान को अरेस्ट किया गया, राजू खान को अरेस्ट किया, और आज मोहित खान के घर पे बुलडोजर चल गया। अब जब बुलडोजर चल गया तो छुरिया कहाँ चल रही है, छुरिया भैया मिर्चे लग रहे अखिलेश भैया को। अखिलेश भैया ने कहा आपने बुलडोजर कैसे चला दिया जी, वो कैसे हुआ, जबकि उसकी पार्टी के नेता, वहां के सांसद इसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और 13 साल की दलित बच्ची हमारी बेटी प्रेग्नेंट हो गई जी, गैंगरेप होता रहा, बेचारी वहां डेली वेजर थी, 100-200-500 रुपए जो भी दिन का देते उस पर काम करती थी। ये है दलितों का समान भारत में, और ये दलितों के जो ठेकेदार बनते हैं ना, ये इंडिया अलायंस वाले राहुल गांधी, जातिगत जनगणना, दलित दलित दलित, मुंह पे ताला लग गया राहुल गांधी के, चूनी निकल रही उसके, पता क्यों, उसको पता मोलेगा तो अखिलेश का वोट कटेगा। ये सारे वोट वाले हैं, इंडिया अलायंस वाले वोट की राजनीति करते साहब, कोई मतलब नहीं इन्हें दलित वलित से। 13 साल की बच्ची का यौन शोषण होता रहा, बलात्कार रोज होता रहा, राहुल गांधी चुप बैठे हैं क्यों, और अखिलेश भैया कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, अरे ऐसे कैसे मोहित खान को सजा दे दी, बुलडोजर चला दिया, मुसलमान है भैया, सजा मत दो तो क्या करे जिनाब, आपको करना ये है, आपको DNA टेस्ट करना। जब ये हुआ तो बहन मायावती कूदती, बहन मायावती कहती है अखिलेश बाबू, जब तुम्हारे शासन प्रशासन में ऐसी अभद्र घटनाएं होती थी, कितने लोगों का तुमने DNA टेस्ट कराया, आज मेरा खून गोल रहा, 13 साल की बच्ची, यार हद नहीं होती इनकी राजनीति की, हद नहीं होती इनकी पॉलिटिक्स की, कहां है वो रोज महाभारत का ज्ञान देने वाला महाज्ञानी राहुल गांधी, जो रोज पार्लियामेंट में कुछ न कुछ ज्ञान देता, शिवजी की बारात कभी बोलता है, कभी कौरवों का ज्ञान देता, कभी पांडवों का ज्ञान देता, और दुर्योधन का और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह भूल गया। आज ये अभद्र घटना होती पूरा देश हिला पड़ा, निर्भया की घटना के बाद, इस घटना के बाद पूरा देश हिला पड़ा, क्योंकि ये यौन शोषण, ये गैंगरेप 2 महीने तक ये करते रहे, और इसकी उम्र पता आपको कितनी, मोहित खान की, ये होगा 50-60-70 साल का आदमी है, 60-65 साल का आदमी, दूसरे की मुझे एज नहीं पता। अरे यार, मतलब आदमी हो जानवर हो यार तुम, मतलब 13 साल की बच्ची का तुम बलात्कार कर रहे हो यार, 60 साल की उम्र में उसके घर पे बुलडोजर चलता है, तो तकलीफ प्रखंड समाजवादी अखिलेश यादव को हो रही, भैया बुलडोजर काहे चला दिए बुलडोजर, मोहित खान है ना, तो छोड़ना था, नहीं करनी थी कार्रवाई, समाजवादी के नेता, इन्हीं लोगों के दम पे तो हम जीते हैं। देखिए मैं आपको क्या कहता,
आप मुझसे पूछते रहे कि समाजवादी आएंगे तो भाई सुमित भाई गुंडे ही बढ़ेगी, मैंने कहा गुंडे ही बढ़ेगा, अपराधियों को संरक्षण मिलेगा। ये देखिए गलत वोटिंग करने का नतीजा, ये आए तो अपराध को संरक्षण मिलना शुरू हो गया, इतना हो गया, इतनी त्रासदी हो गई कि बहन मायावती को कूदना पड़ा। और मैं धन्यवाद करता हूं बहन मायावती का, आपने अच्छा किया बहन जी, आपने कूद के इनकी औकात दिखा दी लोगों को, दलितों के महिषिया राहुल गांधी कहा, खारगे जी कहा, सोनिया गांधी कहा, प्रियंका गांधी कहा, साफ सुन गया क्या यहाँ? क्योंकि अखिलेश भैया की पार्टी का सिपाही 13 साल की बच्ची का बलात्कार करता रहे, पर हम नहीं बोलेंगे क्योंकि इससे अखिलेश भैया नाराज होंगे। यह है इनकी राजनीति, समझिए राजनीति ऐसे चलती भैया यूपी में, यह है इनकी वास्तविकता। जाति जनगणना कराओ, हमें बताओ क्या हुआ। राहुल गांधी कहां छुप के बैठे हो, थाईलैंड में हो क्या? चलिए यहां पे संजय निषाद, ये यूपी में मंत्री है साहब, यूपी में मंत्री है और ये माना जाता है ये बच्ची निषाद समाज की है। आज संजय निषाद जी को मैं देख रहा था, हमारे टीवी पर उस पर डिबेट हो, भाई रो पड़े संजय निषाद जी, कह रहा यार क्या फायदा मंत्री होने का अगर मैं अपने समाज की 13 साल की बच्ची को नहीं बचा पा रहा हूँ दरिंदों से। और दरिंदों का लाइसेंस क्या है? नाम है, इट्स ऑल अबाउट द नेम, इट्स अबाउट द पार्टी, किस पार्टी के नाम क्या है, इसलिए कार्रवाई नहीं करनी साहब। योगी जी तो भाई साहब दे दिया अल्टीमेटम, योगी जी ने पुलिस को आज दे दिया अल्टीमेटम, बोला अगर कार्रवाई नहीं की बेटा सब पे कार्रवाई होगी। ये गोमती नगर वाला मैंने आपको इसलिए वीडियो दिखाया, सब गए और यहाँ ताबड़तोड़ एक्शन होता है, यही कहानी खत्म नहीं होती। यहाँ कांग्रेस और इंडिया अलायंस वालों का देखिए असलियत क्या, इनका हाल बेहाल के, इंडिया अलायंस का कोई इतना नेता नहीं कि 13 साल की बच्ची के साथ ये एक कब्र में पैर रखता हुआ बुड्ढा बलात्कार करता रहो, और आपके जमीर इतना नहीं जागता कि आप एक बार उसकी यार बचना तो कर दो, एक बार कंडम तो कर दो, बोल तो दो, मुंह तो खोल दो यार। इतनी राजनीति सर पे चढ़ गई है। कहा है वो प्रियंका गांधी, वो अभी तो महिला है प्रियंका जी, आप महिलाओं के बोलिए ना, सोनिया जी आप महिला है ना, महिलाओं के बोलिए। क्या कांग्रेस में जो हमारी टीवी डिबेटों में इतने इनके प्रवक्ता आते, इतनी महिला है, पूरा आदर सम्मान है। अरे बहन जी आप तो कुछ बोलिए ना, कोई तो कुछ बोलो यार। कहा वो क्या है उनका नाम, वो कोई बड़ी प्रखर सी महिला है इनके यहाँ, पता नहीं यार नाम उनको भूल गया, बहुत टीवी पे चिल्लाती है, उनकी तो आवाज ही सुनाई नहीं देती, पता नहीं क्या बोलती है। कहा वो लोग नहीं है, ये है संकीर्ण राजनीति, ये है राजनीति की असलियत, राजनीति की दलदल, इनके दिलों और दिमागों में छुपा मैल, जो 13 साल की दलित बच्ची का यौन शोषण गैंगरेप महीनों तक होता रहा, पर इनका जमीर नहीं जागा साहब, नहीं जागा। वोट प्रिय है, हमें तो हिंदुओं को तोड़ने का काम करना है ना, हमें थोड़ी ना किससे कोई मतलब है, दलितों के हितैषी बनते यहाँ साइलेंट है। ये है साहब हकीकत, दिस इज द रियलिटी। बहन मायावती जी का आना अच्छी बात है, हम उसका समर्थन करते हैं और उन्होंने जो बोला बड़ी अच्छी बात है। संजय निषाद जी को देखते आपका दिल पसीन जाता, क्योंकि मेरे को उनके चेहरे पे वो मजबूरी दिखी, वो लाचारी दिखी, रहे क्या मोड़ दिखाएंगे अपने कम्युनिटी को यार। 13 साल की बच्ची शासन प्रशासन इसलिए मदद नहीं कर रहा क्योंकि वहां के सांसद जी का भाई दबाव है, नहीं करना है। मोहित खान समाजवादी पार्टी का, अखिलेश भैया को डीएनए टेस्ट चाहिए, अधिकारियों का डीएनए टेस्ट कराइए साहब, तब बुलडोजर चलाइए। तो बुलडोजर चलाने से पहले डीएनए टेस्ट कराएंगे, तो बाबा ने आपको जवाब तो दे दिया गोमती नगर में, और कार्रवाई यही नहीं होती है। कार्रवाई मुजफ्फरनगर में आपको ले चलो, मुजफ्फरनगर में एक बच्चिया ट्यूशन जाती थी, यहाँ 3 लड़के थे, ये आते हैं अपने इन्हें पूरा यहाँ कवर ओवर कर रखा, सिर्फ आंखें खुली है, जाके महिलाओं को बच्चियों को छेड़ते, खासकर बच्चियों को छेड़ते, ट्यूशन पढ़ने जा रही है, किसी का हाथ पकड़ लिया, से रॉन्ग टच कहते हैं वो कर लिया, और जब इन्होंने रेजिस्ट किया तो बोला हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये मुजफ्फरनगर की घटना है, कुछ नहीं किया। देखिए यूपी में कैसे कार्रवाई होती है, वहां के लोगों ने एक वीडियो बनाया था, वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, यूपी सरकार के मंत्री वो वीडियो देखते हैं, संजय जी ने तुरंत SP साहब को फोन किया, SSP साहब को, एक्शन होता है, ये जो अभी मंचले जो बदमाशी के चक्कर में घूम रहे थे लड़के, 2 घंटे में 2 का एनकाउंटर होता है और 3रे को गिरफ्तार किया जाता है। 2 जो बाइक पे लहरा के चल रहे थे आज पुलिस वालों के कंधों पे हाथ रख के चल रहे हैं। ये है घटना आपकी मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर से चलिए मिर्जापुर, ये मिर्जापुर आपने बहुत सुना होगा, चुन्नू यादव नाम का अपराधी है, चुन्नू यादव ने सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा था, दबंगी चला रहा था, आज गई कुड़की हो गई, बहुत बड़ा बाहुबली और दबंग माना जाता चुन्नू यादव, करोड़ों की जमीन पे कब्जा बैठ के बैठा, आज कुड़की हो गई।
हजूर की जो जमीन होती है उस पर कॉलोनी काट रखी थी साहब इन्होंने भू माफिया, आज उस जमीन पे और उस कॉलोनी पे चल गया बुलडोजर वाला। अकबर नगर में बुलडोजर चल गए तो आपको पता ही है, बाराबंकी चलते वहां से साहब, बाराबंकी में क्या, बाराबंकी में दो पशु तस्कर थे, आज सुबह सुबह दोनों का एनकाउंटर हो गया, दो पर गए और तीन या चार गिरफ्तार हुए, क्योंकि बाराबंकी में क्राइम बढ़ गया था और बाबा ने पीछे कहा था नो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम और 9-10 गौवंश रिकवर हुए उनसे। तो ये पशु तस्कर हो, ये पुलिस पे कार्रवाई हो, बदमाशों पे कार्रवाई, कुड़की हो, बुलडोजर हो, वसूली हो और सील हो, कोई भी अवैधिक अवैध निर्माण हो रहा है यूपी में आप कंप्लेन कीजिए, 24 से 48 घंटे में सील हो रहा है। आपको पता क्यों? क्योंकि पुलिस वाले खुद भाग रहे, कह रहे वहां सील नहीं किया तो हमारी नौकरी सील हो जाएगी भाई, यहां सस्पेंड हो जाएंगे। मुझे बताइए अगर ये योगी आदित्यनाथ जी कर पा रहे हैं, और योगी और यूपी में सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी नहीं रहती, मैं डायरेक्ट बात करता हूं, अगर वहां ये संभव है तो पूरे भारत में संभव क्यों नहीं? अगर योगी जी कर पा रहे तो वाकई आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे? अगर योगी जी का किसी ने कोई बाल नहीं बागा कर पा तो आपका क्या कर लेगा? ये होती है पॉलिटिकल विल, ये होती है साफ चरित्र, ये होती है दबंगी। योगी जी के फैन फॉलोइंग पूरे भारत में ऐसे नहीं बढ़ी, बढ़ने के कारण होते साहब, ऐसे नहीं बढ़ती किसी की फैन फॉलोइंग राजनीति में। राजनीति में शब्द बिकते हैं, एक लिमिट तक बिकते हैं, उसके बाद एक्शन दिखता है। शब्द एक्शन को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा घटा सकते हैं, पर केवल शब्द एक्शन को रिप्लेस नहीं कर सकते, ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता का मूड है एक्शन का। और अगर आपको भी एक्शन का कहीं केंद्र बिंदु दिख रही है, अगर एक्शन का कहीं समावेश दिख रहा, पूर्ण तरह से समावेश दिख रहा है उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम में, तो आप आइए उत्तर प्रदेश और देखिए योगी आदित्यनाथ जी का एडमिनिस्ट्रेशन। और बाबा ने तो साफ कह दिया भाई यश के लिए नहीं, नौकरी नहीं करता मैं यहाँ पे, नौकरी नहीं करता मैं, यश चाहिए होता तो मेरे मठ में मुझे बहुत यश मिलता है, नौकरी करने नहीं आया हूं, कुर्सी के लिए नहीं आया हूं यहाँ पे। आप देखिए बाबा, अगर आप देखेंगे अभी मोदी जी के बाद अगर किसी की डिमांड आती पूरे भारत में इलेक्शन रैलीज के लिए तो बाबा की आती, काहे को आती है? बाबा इज अ वर्ड ऑफ एक्शन, एक्शन करते हैं बाबा, बातें नहीं करते। ये है योगी आदित्यनाथ जी का चमत्कार, इसीलिए योगी जी को लोग पसंद करते हैं, दिलो जान निशावर करते, किसी को नहीं छोड़ते। जब एक्शन का टाइम आता है यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन होती है, गुंडे बदमाश यूपी से भाग रहे, यूपी का जीएसटी बढ़ रहा, यूपी का ईज ऑफ बिजनेस बढ़ रहा, यूपी में निवेश आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा। और ये जो आप जातिगत समीकरणों के होते हुए यूपी में जो आप जीते हैं, और ये जो लोग कहते हैं कि भाई बाबा को हटा देंगे ना, यूपी में तीन सीटें भी नहीं बचेगी, 30 छोड़िए 3 नहीं बचने वाली। देखिए योगी आदित्यनाथ जी बाबा एक मॉडल बना रहे हैं यूपी में शासन प्रशासन को कैसे चलाया जाए, और अगर आप इस मॉडल को समझेंगे, यही मॉडल पूरे भारत का मॉडल होना चाहिए, इसी मॉडल पे भारत को चलना चाहिए, नो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम एंड क्रिमिनल्स। और मेरी मानिए तो ड्रेडेड क्रिमिनल्स और टेररिस्ट का कोई ह्यूमन राइट नहीं होता, आपको ये ह्यूमन राइट की दुकान बंद करनी पड़ेगी। यूपी में रोज एनकाउंटर होते, बुलडोजर चलते, कुड़की होती है दब, और एनकाउंटर में मृत्यु भी होती है, जैसे मैंने बोला ये दो पशु टस्कर निकल गए। अब तो मीडिया ने रिपोर्ट भी नहीं करता, कितने रिपोर्ट करे, पर आज जो सुशासन यूपी में है दैट इज कर्टसी योगी आदित्यनाथ जी, आपको मानना पड़ेगा। और आप केवल बल होगा आपके पास तभी शासन कर पाएंगे, कमजोर लोग शासन नहीं कर पाते। अगर आप में राजनीतिक विल नहीं, आप शासन नहीं कर पाएंगे। अगर आप में बल है, इफ यू ओनली पावर कैन एंश्योर पीस, डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा था। और इसराइल को देखिए, योगी जी को देखिए, आप में दम है, आप एक्शन करने की हिम्मत रखते, किसी का औकात नहीं आपके सामने बोल जाएगा। और अब पूरे देश के जो हमारे बाकी मुख्यमंत्री है वो सब योगी आदित्यनाथ जी को फॉलो कर रहे हैं, उनकी कॉपी कर रहे हैं। अब कावड़ वाली यात्रा निपट गई ना, बहुत सही सलामत निकट गई, किसी की हिम्मत हुई कुछ हर हमाकत करने की? अभी बाबा ने कहा था भाई हम कावड़ियों पे फूल वर्षा कर रहे थे और अखिलेश भैया को तकलीफ हो रही थी, क्योंकि पहले ऐसा प्रकरण होता नहीं, इन्होंने बंद कराया। तो कावड़ियों पे फूल बरसाने में भी भारत में तकलीफ है भाई, भारत में तकलीफ है, क्यों बरसा रहे हो फूल? नहीं, हम हज सब्सिडी देंगे, हम हर चीज करेंगे, पर कावड़ियों पे फूल नहीं बरसाएंगे सर। ये यहाँ सेकुलरिज्म ना खतरे में आ जाता है, यहाँ सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। और मैं अगर एक न्यायपालिका पे एक टिप्पणी करना चाहता हूँ, दिल में बड़े दिनों से थी, आज बोल देता, अरविंद केजरीवाल जी को 3 महीने में 6 महीने में 50 हियरिंगें मिल जाती है, क्योंकि इनके वकील इतने बड़े बड़े महंगे महंगे 20-25 लाख एक पेशी के वकील है जो इनका काम करते हैं, ठीक है जी। अब एक कॉमन व्यक्ति है जिसके पास ना पैसा ना 25 लाख का वकील है, उसका नंबर सुप्रीम कोर्ट में कब आएगा आप खुद सोचिएगा। अभी जो पेंडेंसी कहते 200 साल लगेंगे क्लियर करने में इस रफ्तार से, तो ये जो हम कहते हैं इक्वलिटी इन फ्रंट ऑफ लॉ,
जो हमारे ऑनरेबल मी लॉर्ड्स कहते हैं, मुझे उनका पूरा आदर सम्मान है। तो सर, क्या एक कॉमन आदमी की इक्वलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लॉ इज सेम एज दैट ऑफ अरविंद केजरीवाल विद हिज मोस्ट एक्सपेंसिव बैटरी ऑफ लॉयर्स? इसका भी अध्ययन करना पड़ेगा। पर जब यहाँ बाबा की बात आती है, यहाँ संतरी हो मंत्री हो, रंक हो या राजा हो, सिपाही हो या चोर हो, किसी को भी शासन प्रशासन के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। व्हेन इट कम्स टू बाबा का डंडा एक साथ चलता, पूरे प्रदेश में चलता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। मतलब सिस्टम वही, लोग वही, अगर नियत सही तो कुछ भी संभव है। ये हमें योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल दिखाता है। मैंने सोचा आज इस पर बात करूं, क्योंकि मैं ये खबरें देखकर बड़ा खुश होंगे, क्योंकि दिस इज एन इंस्पिरेशन। ये इंस्पिरेशन है भाई, अगर योगी जी कर सकते, अगर बाबा कर सकते, हर कोई क्यों नहीं कर सकता। आज मैं वही सवाल पूछता, शासन वही, प्रशासन वही, समाज वही, व्यवस्था वही, अगर योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं तो मुझे बताइए आपकी मजबूरी क्या है, आप ये काम क्यों नहीं कर सकते? किसने आपके हाथों पैरों में बेड़िया बांध रखी है या कुछ और कारण? यही था आज का विचार, भारत विचार में। मैं आपसे आगे चाहूंगा, जाने से पहले आप जानते हैं कि मेरा निवेदन ये है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब इसे जरूर करिएगा, और ऐसी खबरें मैं आपके पास लेके आता रहूंगा। और अब आपसे आज्ञा लेने का समय आ गया। आज्ञा लेने से पहले भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर 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 महादेव।